हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करने वाली फ्री आईएएस कोचिंग के बारे में, जिसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। आप अप्लाई कर सकते हैं जाके। कोचिंग का नाम होगा सर रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। ये देखिए सर, मैंने पूरा शेड्यूल लगा रखा है यहाँ पे। इनकी फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो है करीब 24 अप्रैल। ये काफ़ी दिन पहले स्टार्ट हो गया था, मैं तो आज साइट पे चला गया तो ओकेजनली मुझे पता चल गया। और 25 जून तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, तो इस दौरान आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सर। और बाकी वाला भी पढ़ लीजिए आप, जैसे इनका रिटर्न टेस्ट कब होगा, एंट्री कब होगा, जो पूरा प्रोसीजर है उसकी डेट सारी यहाँ दे रखी है। हम प्रोसीजर के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में बात कर लेते हैं सर एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन कौन एलिजिबल है इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो सर इसमें पहली बात तो आप माइनॉरिटी एससी एसटी कैंडिडेट और वुमेन सारी कैटेगरी के फॉर्म भर सकती है बस, यानी कि जनरल और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और दूसरी कंडीशन है आप ग्रेजुएट होने चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर भी है तब भी शायद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप पूरा ग्रेजुएट हो गए, आपको डिग्री मिल गई, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर ले सर हाउ टू अप्लाई। तो सर मैंने जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पेज खुलेगा, टैब खुलेगा, उसमें जो पहला ही पॉइंट दे रखा है एडमिशन के लिए, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप जब खुद को रजिस्टर कर दोगे, रजिस्टर करने के बाद में आपको इस तरह से फिर टैब खुलेगा। जैसे मैंने रजिस्टर किया था बस पता लगाने के लिए प्रोसेस, तो मेरा आ रहा है यहाँ पे ऐसा। फिर आपको एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक करके वहाँ पे अपना एप्लीकेशन भरना है, फॉर्म भरना है, जो डिटेल आपको पूछे गए। फीस होगी सर यहाँ पे एंड में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट ही है और फीस है करीब 650 रुपीज़। थर्ड पॉइंट में बात कर लेते हैं सर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर सर काफ़ी टफ है सर इसका, मतलब कि 3 स्टेज में होता है इनका। पहला तो इनका एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर, जिसमें एमसीक्यू जाएंगे, वो होगा करीब 60 मार्क का। दूसरा होगा सर उनके ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, तो 2 ऐसे देंगे आपको और दोनों 30-30 मार्क्स होंगे, यानी कि वो भी हो गया 60 का। और फिर थर्ड स्टेज में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे सर, तो इंटरव्यू के होंगे मार्क्स करीब 30। तो अगर टोटल मार्क्स करें तो 60+60+30 ये हो जाएंगे करीब 150, यानी कि टोटल एग्जाम जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा टोटल। और जो डेट्स वगैरह हैं वो शेड्यूल में मैंने आपको दिखाई कि सारी डेट्स क्या हैं, वो आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तब तो आपको वैसे ही ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कब कब आपका रिटर्न टेस्ट है, कब ऐसे है और कब एंट्री है, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। सिलेबस ढूंढने की मैंने काफ़ी कोशिश की बट सिलेबस मुझे कुछ मिला नहीं। तो मुझे जो अनुमान लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर सिलेबस ये नहीं दे रहे हैं तो फर्स्ट जो पेपर है एमसीक्यू का, जिसमें ये करीब 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि ये यूपीसी के लेवल के हिसाब से पूछेंगे। जो यूपीसी का पेपर फर्स्ट होता है, जो प्रीलिम का जो सिलेबस होगा है उसी रखेंगे शायद। और सेकंड जो ऐसे राइटिंग है, तो जब ऐसे राइटिंग में उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि क्या टॉपिक लेंगे, तो मेरे हिसाब से कुछ जनरल टॉपिक ही लेंगे तो बहुत टफ नहीं होगा। मे बी जैसे पॉल्यूशन पर दे दिया आपको, ग्लोबल वार्मिंग जैसा कोई, मतलब बहुत ही जनरल टॉपिक जिस पर आप लिख सकें आराम से। और फिर आप पता कीजिएगा, ईमेल करके पूछिएगा सिलेबस, अगर कोई स्पेसिफिक सिलेबस होंगे तो भी वो आपको बता देंगे। अब बात कर ले सर फैसिलिटीज़ के बारे में कि कोचिंग आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। सर सबसे बड़ी तो फैसिलिटी होगी सर आपको कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रही है आपको। कोचिंग में भी ये आपको जीएस की देंगे, सी सेट की भी देंगे और कुछ जो ऑप्शनल अवेलेबल हैं वहाँ पे, ऑप्शनल भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। उसमें सर आपको फिर हॉस्टल अकोमोडेशन भी वहाँ पे मिल रहा है। इसके बारे में कंफर्म नहीं कर पाया कि जो अकोमोडेशन मिलेगा आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या सिर्फ कोचिंग होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अगर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अकोमोडेशन मिल रहा है सर हॉस्टल का, तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ना भी होगा तो एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें हम, तो आपसे इतना अमाउंट भी नहीं लिया जाएगा, बस रीजनेबल अमाउंट चार्ज करेंगे। तो दिल्ली के किसी अलग पार्ट में और पार्ट में अगर रह के आप खुद रेंट लेकर रहोगे उससे तो बहुत ज़्यादा किफ़ायती पड़ेगा सर। और इसमें फैसिलिटी में स्पेशल पॉइंट बात करें तो सर ये आपको कोचिंग 1 साल के नहीं देते सर, सब तक देते हैं जब तक आप किसी न किसी स्टेज को क्वालिफाई नहीं कर लो, यानी आपने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, कुछ निकाल दिया ना, तब तक आपको मिलेगी ये। और ड्यूरेशन इसका मैक्सिमम मेरे हिसाब से 3 साल का है, तो आप यहाँ पे 1 साल नहीं 2-3 साल के रह सकते हैं, जब तक कि आप अपना इंटरव्यू तक या किसी स्टेज तक नहीं पहुँच जाए या फिर एग्जाम ना क्लियर कर दे। ये होगी सर सारी कोचिंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। और अब बात करें सर क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में, तो हम कर नहीं पाए सर, जैसे कि हम हमेशा करते हैं जब कोचिंग का कोई रिव्यू जैसा करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट तो हम यहाँ पे कुछ लेके नहीं आए क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट है नहीं जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, किसी ने जब कोचिंग किया उसका। बट पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कुछ आप आराम से फिगर आउट कर सकते हो। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो ये हो रहा है सर कि अगर एग्जाम ये 3 स्टेज पे करा के सिलेक्शन ले रहे हैं तो सर आप इमेजिन कर सकते हैं जो क्लास होगी उसके अंदर काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, मतलब कि क्लास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है सर। और ये हमेशा मैं इस बात पे फोर्स देता हूँ कि टीचर से ज़्यादा आपका सराउंडिंग, आपका फ्रेंड सर्कल वो मैटर करता है। तो अगर आपको सीरियस कंपनीज मिलेगी, अगर आपको पढ़ने वाले कंपिटेंट स्टूडेंट मिलेंगे, तो मैं कहता हूँ सर डेफिनेटली आप न चाहें तो भी आपका इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि
हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं सर, हम उसके हिसाब से ग्रो करते हैं। और इनके क्लेम की बात करें सर, तो ये खुद क्लेम करते हैं इन्होंने करीब 240 प्लस सिलेक्शन दिए अभी तक यूपीएससी की जो ए ग्रेड सर्विसेज हैं उनके अंदर। अभी लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जो जुनेद अहमद इनका जो सिलेक्शन हुआ शायद वो टॉप 10 में थे और उन्होंने भी इसी कोचिंग से प्रिपरेशन की थी। तो लग तो रहा है सर कि आपको वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो शानदार मिलने वाली है, बट फिर भी इसका कोई खास सबूत नहीं है। अब नेगेटिव पॉइंट, हमें तो दूसरा कुछ मिला नहीं, इसके लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा जो जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, जो RCA जो कोचिंग है उसमें जो इनरोल्ड हो चुके हैं, वो कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे, अच्छी एजुकेशन मिल रही है या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट वाली ही कोचिंग मिल रही है वहाँ पे। तो आप कमेंट करके बताइए अगर आपने वहाँ से कोचिंग ली है तो। तो सर ये तो सब कुछ कोचिंग के बारे में। अगर आपको एडमिशन लेना है तो लिंक पे क्लिक करिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और वहाँ जाके आप इस बारे में और इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेकर।